नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं वास्तु की बात कमल नंदलाल के साथ सिर्फ एस्ट्रो तक पर। एस्ट्रो तक एक ऐसा मंच है जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाने का प्रयास निरंतर जारी रखे हुए और यह प्रयास आगे भी जारी रहेगा। इसलिए एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारे वीडियोज फेसबुक और यूट्यूब पर। खास बात और पते की बात, आज का विशेष टॉपिक, क्या आप जानते हैं आपके किचन का काला कलूटा तवा आपको बना सकता है अमीर? जी हां, आपके किचन का तवा, काला सा तवा आपको बना सकता है करोड़पति। आपके किचन का तवा कर सकता है आपकी गरीबी को दूर। आपके किचन का तवा आपको बना सकता है मिलियनर। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। आइए जानते हैं कैसे। तवा रोटी को जन्म देता है। रोटी पकाने में तवे का ही प्रयोग किया जाता है। और कहावत तो सुनी होगी आपने, दो जून की रोटी। वो रोटी जो हमें तीन वक्त का सहारा है हमारे लिए, हमारे जीवन का आधार, और स्पेसिफिकली भारतीय समाज के लिए रोटी के बगैर भोजन की परिकल्पना असंभव है। लोग कितने दिन तक पूरी खा सकते हैं, कितने दिन तक चावल खा सकते हैं, लेकिन रोटी वो नित्य खा सकते हैं, रोज। रोटी खुद में एक ऐसा शब्द है जो आपको भूख का एहसास कराती है। और कहते हैं ना कि मैं किस लिए कमा रहा हूं, ताकि मेरे बच्चों को रोटी मिल सके, ताकि मैं अपने घर परिवार की रोजी रोटी कमा सकूं। तो ये जो पूरी रोटी का कनेक्शन है, ये सिर्फ एक ही जगह से आता है, तवे से। जी हां, तवा ही है जो आपके जीवन में भारण पोषण की स्थिति को पैदा करता है। ये तवा ही है जो आटे को पकाकर उसको रोटी का आकार देता है। ये तवा ही है जो अन्नपूर्णा का काम करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके घर का तवा बना सकता है आपको अमीर, कर सकता है आपकी गरीबी दूर और बन सकते हैं आप मल्टी मिलियनर? जी हां, ये जानते हैं कैसे। तवा काल पुरुष सिद्धांत के अनुसार जो हमारा किचन है उसका एक अभिन्न है। और किचन को कालपुरुष सिद्धांत और वास्तुपुरुष सिद्धांत के अनुसार हम कुंडली के तीसरे भाव से देखते हैं, जो अग्नि का भाव है। मेटल से, लोहे से बना हुआ तवा शनि का प्रतीक है। लेकिन तवा ही एक ऐसा पकाने का सोर्स है जिसको हम तीन ग्रहों से सम्मिलित कर सकते हैं। काला रंग का होने के कारण तवा जो है वो शनि को संबोधित करता है। अग्नि को झेलने के कारण वो राहु का प्रतीक है। और पकाने के कारण, किसी चीज को बनाने के कारण वो सूर्य का प्रतीक है। और क्योंकि उसे शुक्र की दिशा में रखा जाता है, इसलिए सर्वाधिक रूप से वो शुक्र को भी फेवर करता है। और एक तवा आपको बना सकता है अमीर। तवे के कुछ हम प्रयोग जानेंगे और कैसे तवा आपको करोड़पति बनाएगा ये भी जानते हैं। पहले जानते हैं कि तवे के साथ में क्या करना चाहिए। तवे को सर्वदा, जब तवा आपका यूज ना हो रहा हो तो कभी भी वो गंदा ना पड़ा हो। अगर तवा गंदा है तो आप ये समझ लीजिए आपका पराक्रम क्षेत्र गंदा हो रहा है। नंबर एक, यूज करने के बाद में तवा कभी भी गंदा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, तवे को कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए। उल्टा तवा सूर्य को उल्टा कर देता है, शनि को वक्र बना देता है और मंगल के प्रभावों को एग्रावेट करके आपकी स्वास्थ्य को बिगाड़ देता है। जिस तवे पर हम रोटी पकाकर प्रसाद रूप में भगवान को चढ़ाते हैं, वो तवा कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये हम भी समझ सकते हैं। तवे को कभी भी
राख से नहीं मांजना चाहिए। तवे को मांजने के लिए उस पर से शनि को हल्का किया जाता है, और वो हल्का जो किया जाता है वो किया जाता है ईंट से या किसी स्क्रैप से। तो तवे को कभी भी राख से नहीं मांजना चाहिए, तवे को सर्वदा ईंट से मांजना चाहिए, यानी कि मंगल को उस पर घसना चाहिए, अग्नि को उस पर घसना चाहिए, इसलिए तवा आपका अच्छा फल देगा। गरम तवे पर कभी भी गीले छींटे ना मारें। गीले छींटे मारने की वजह से पानी जब उस पर पड़ता है तो चंद्रमा मंगल को खराब कर देता है और शनि के साथ मिलकर विष दोष दे देता है, इसलिए आपकी स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा हानि हो जाती है। तवे को कभी भी खुले में नहीं रखना चाहिए। अगर अनयूज्ड तवा खुला दिखाई देता रहेगा तो आपका शनि निर्बल होता रहेगा, शनि आपका कमजोर हो जाएगा और आपके जीवन के अंदर जो अर्निंग फैक्टर है वो कमजोर हो जाएंगे। जब कभी तवा यूज ना हो रहा हो तो तवे को हमेशा छुपा कर रखना चाहिए। तवा घर की मोस्ट ऑफ द टाइम पे दक्षिण दिशा में होना चाहिए। उत्तर दिशा में रखा हुआ तवा अशुभता का सूचक है। तवा हमेशा दक्षिण दिशा के अंदर रखना चाहिए और दक्षिण दिशा में ही रोटी पकनी चाहिए, या साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रोटी पकनी चाहिए। तवे को कभी भी पानी के मटके के साथ नहीं रखना चाहिए या पानी के स्रोत के साथ नहीं रखना चाहिए। तवे को कभी भी क्रॉकरी के साथ में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि क्रॉकरी के साथ में रखा हुआ तवा आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। तवे को कभी भी जलती हुई गैस पर से नहीं उतारना चाहिए, हमेशा गैस बंद करके ही तवे को उतारना चाहिए। अगर जलती हुई गैस पे से आपने तवा बिना उसे बुझाए उठा दिया तो यहां पर सर्वदा प्रॉब्लम होती है शनि मंगल द्वंद्व योग की, यहां पर आपके घर में लड़ाइयों का कारण होता है। अगर आपको एकदम से तवा ठंडा करना हो और आपको बहुत जल्दी हो, आपको कहीं जाना हो और तवा एकदम से गर्म हो, तो आप एक काम जरूर कर सकते हैं कि आप तवे पे पहले थोड़ा सा नमक डाल दें और उसके बाद में उस पर पानी डालें, क्योंकि इससे आप राहु को जला देंगे और उसके बाद में चंद्रमा उसको निर्मल कर देगा। कभी भी गर्म तवे को एकदम से पानी में नहीं डालना चाहिए, अन्यथा बेडलक उसका आकार लेना शुरू कर देता है। अब आपको ये बताते हैं कि कैसे आप बनेंगे करोड़पति, आइए जानते हैं। सबसे पहले तवे को जब कभी भी आप धोएं या हफ्ते में एक बार धोएं तो कोशिश ये कीजिए कि वो दिन शनिवार का हो, बाकी दिनों के अंदर तवा नहीं धोना चाहिए। उसे साफ जरूर आप कपड़े से कर सकते हैं, लेकिन आप अगर तवे को रगड़ कर साफ कर रहे हो तो वो दिन शनिवार का हो। तवे को हमेशा ईंट से रगड़ें या किसी स्क्रॉच से रगड़ें, इससे मंगल प्रभावी बनेगा और शनि ठीक होगा। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, तवे पर कभी भी भूलकर भी खुरचे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए साफ करते समय, वैसे आप जरूर कर सकते हैं। खुरचे वे तवे का इस्तेमाल करने से राहु प्रभावी हो जाता है और शनि को कमजोर कर देता है और साथ ब साथ में मंगल को बिगाड़ देता है। तवे को आप हमेशा घर की पश्चिम दिशा में छुपा कर रख दें अगर आप वो यूज नहीं हो रही है, या उसे दक्षिण दिशा में छुपा के रख दें। ये दोनों दिशाएं तवे के लिए बिल्कुल सही रहती हैं जब वो यूज नहीं हो रहा है और आप उसे अंदर रखना चाहते हैं। उत्तर दिशा या पूर्व दिशा के अंदर कभी भी बुझा हुआ तवा, ठंडा तवा नहीं रखना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं एक ऐसा उपाय जिसकी वजह से नजर भी उतरेगी और आप बन सकते हैं करोड़पति। जी हाँ, एक तवा आपको कैसे बनाएगा अमीर, आइए जानते हैं। अगर आपके बच्चों को बहुत ज्यादा नजर लगने की संभावना है तो बच्चों की नमक से आप नजर उतार के आप उसे गर्म तवे पर रखकर जला दें। इससे घर की नेगेटिव एनर्जी खत्म होगी, बच्चे की नेगेटिव एनर्जी खत्म होगी और बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अगर आपका बच्चा का एक्सीडेंट या बार बार गिरता पड़ता रहता है बच्चा और उसको चोट लगती रहती है, तो आपको तवा गर्म करना है और बच्चे की नज़र जो है आपको लाल साबुत मिर्ची से उतारनी है और उसको जला देना है तवे पर रखकर। आप देखेंगे कि बच्चा बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा और ठीक हो जाएगा और साथ ब साथ के अंदर परिवार का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा।
अब आपको बताने जा रहे हैं कि तवा आपको कैसे बनाएगा अमीर। तो कोशिश ये कीजिए कि आप तवा जो लें वो तवा आप लें मंगलवार के दिन, और उसका पहली बार इस्तेमाल करें शनिवार के दिन। उसका एक आपको काम करना है, तवे की बैक साइड जहां से वो गर्म होता है वहां पर आपको सिंदूर से एक त्रिकोण बनाना होगा। तवे को जब आप पहली बार यूज कर रहे हैं तो वहां पर आपको एक ट्रायंगल बनाना होगा, और गैस पर रखने से पहले और सिंदूर से ट्रायंगल बनाना होगा, और गैस पर रखने से पहले तवे पर गीले पानी के छींटे देकर उसे थोड़ा सा गीला करें, एकदम से तवे को उस पर ना रखें डायरेक्टली, और उसे रेगुलर यूज करें। इससे दिन प्रतिदिन आपकी इनकम में इजाफा होता जाएगा, आपकी एनर्जी लेवल बढ़ती जाएगी। अब आपको बताता हूँ कि अगर आप एकदम से बहुत शुभ परिणाम चाहते हैं और आप चाहते हैं आपकी इनकम अच्छी हो जाए, तो आपको यूज्ड किया हुआ तवा जो आप अपने घर में यूज़ करते हैं, और जब आप तवा बदलना चाहें अपना, तब जो यूज़ किया हुआ तवा है आप शनिवार के दिन किसी सन्यासी को दे दें। पंडित को नहीं देना है, किसी मंदिर के पुजारी को नहीं देना है, किसी ब्राह्मण को नहीं देना है, सन्यासी को देना है, और सन्यासी को यूज्ड तवा दे दें अपने घर का। आप देखिएगा कि कुछ ही दिनों के अंदर पैसे का फ्लो जो है वो दुगने से तिगना, तिगने से चौगुना होता जाएगा। आप करके देखिए, इस्तेमाल कीजिए, और आप ये देखिएगा कि किस प्रकार से आपके घर का वास्तु भी करेक्ट होगा और आप बन जाएंगे अमीर। तो कल आपसे फिर मुलाकात होगी वास्तु की बात कमल नंदलाल के साथ में। आज अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इजाजत दीजिए। नमस्कार।